आज जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो है टीएस ग्रेवाल के एक्सरसाइज क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू द मोहन विजय एंड अनिल, जिसमें इन्होंने क्या करा है, इनकी कैपिटल हमारे पास गिवन है, इन्होंने कुछ ड्राइंग्स भी यहाँ से करी हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इनको मिलना चाहिए था जो कि ओमिटेड हो गया। ओमिटेड का मतलब भूल गए। अभी क्वेश्चन रिलेटेड है पास्ट एडजस्टमेंट के, लेकिन ये क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक हम इसमें ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट ना कर लें। काफी बच्चे क्या कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें कहा गया है भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, तो डायरेक्टली क्या कर रहे हो, कैपिटल पे कर दे रहे होंगे 30,000 पे, 25,000 पे, 20,000 पे, तो ये नहीं करना है एक्चुअली। अब यहाँ पे करना क्या है, फर्स्ट वी हैव टू फिगर आउट द ओपनिंग कैपिटल। अब ये कैसे पता चला कि भाई ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली ये मेंशन है भाई इतना ही कि मोहन विजय एंड अनिल आर द पार्टनर्स, द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल, बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल मीन्स साल की एंड की कैपिटल ये है। साल के एंड का मतलब होता है कि 31 मार्च, याद रखिएगा 31 मार्च की कैपिटल, और ओपनिंग जो इंटरेस्ट लगता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, 31 मार्च पे नहीं लगता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द 1 अप्रैल ओपनिंग कैपिटल। वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा फॉर्मेट के थ्रू, ये है उसका फॉर्मेट। ठीक है, तो ये आप अपने पास नोट कर सकते हैं। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग ओपनिंग कैपिटल का यहाँ पे यूज करा जाएगा, तो इस फॉर्मेट को हम यूज करते हैं और फटाफट से फिगर आउट करते हैं कि हमारा ओपनिंग कैपिटल क्या है। ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखना है, हमें लिखना है क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 30,000, 25,000 एंड 20,000, है ना। तो एक एक पार्टनर की कैपिटल को हम यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट से। तो एक पार्टनर की है 30,000, फिर है हमारे पास 25,000, फिर एक पार्टनर और है हमारे पास जिसकी वैल्यू कितनी है कैपिटल की, 20,000। ठीक है, अब यहां पे कहा गया है कि भाई एड विड्रॉ अगेंस्ट कैपिटल, तो हमें ऐड करनी है एक ऐसी वैल्यू जिसमें हमने क्या करा होगा, हमने ड्राइंग्स करी होंगी बट वो कैपिटल के अगेंस्ट हो। क्या इसमें ऐसा कहीं कहा गया था इस क्वेश्चन में कि भाई कैपिटल से हमने पैसा निकाला, कहीं भी नहीं कहा था। तो ये एंट्री क्या रहेगी, ब्लैंक रहेगी, इसमें कुछ नहीं आएगा। इसके बाद क्या होगा कि भाई हमें बताया गया कि भाई ड्राइंग्स को भी हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या नॉर्मल ड्राइंग्स हमने करी है, हाँ बिल्कुल करी है, क्वेश्चन में लिखा है हमारा 5,000, 4,000 और 3,000। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, 5,000, 4,000 और 3,000। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हमें क्या करना है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में और क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है 24,000 विच हैज ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड इन ऑल। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया गया था और उसको हमें यहाँ पे क्या करना है, लेस करना है। तो 24,000 का जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में बटा होगा, उससे हमें क्या करना है, रिवर्ट करना है, यानी कि यहाँ पे लेस करना है। ठीक है, तो अभी हमने क्या लिखा, 30,000, 25,000, 20,000, ऐड करा है इसमें ड्रॉइंग्स, देन तीनों पार्टनर की ड्रॉइंग्स। ठीक है, और अभी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को उसमें से माइनस करेंगे इनके शेयरिंग रेशियो में। तो शेयरिंग रेशियो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे शेयरिंग रेशियो इक्वल गिवन है, क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं है शेयरिंग रेशियो का जिक्र में, बस ये कहा गया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ गया है। तो विच मीन्स कि हमने क्या करा है, हमने इसे बांट दिया इक्वली। अभी हमें क्या करना है, इसे वापस मंगाएंगे इक्वली। तो 24,000 डिवाइड बाय 3, क्योंकि तीन पार्टनर है, तो ये कितना कितना आएगा हमारे पास, 8,000, 8,000 एंड 8,000। तो हम यहां से क्या करते हैं, इसे माइनस करते हैं, 8,000, 8,000, 8,000। ठीक है, इसके बाद क्या, इस क्वेश्चन में कहीं भी पार्टनर्स को सैलरी देनी थी, आई डोंट थिंक सो कि सैलरी हमें यहाँ पे करनी थी, हाँ कहीं भी हमें सैलरी पे नहीं करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, ये तो दोनों हम भूल ही गए थे, तो हम यहाँ पे इसे लिखेंगे नहीं दोनों को। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अभी क्या होगा, अभी हमारे पास, हमें बस डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है, तो हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, हम टोटल निकालते हैं यहाँ पे, 30,000 प्लस 5,000, तो ये कितना हो जाएगा, 35,000, और उसमें हमें लेस करना था हमारे पास प्रॉफिट का अमाउंट। ठीक है, तो कितना आएगा, 27,000 आएगा। इसी तरह से क्या करेंगे, 25,000 प्लस 4,000 कितना हो गया, 29,000, और उसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे 8,000, तो ये बचेगा कितना हमारे पास, 29 माइनस 8, तो बच गया हमारे पास 21,000। ठीक है, यह आएगा 21,000, ये गलत हो गया, ठीक है एक्स्ट्रा हो गया था, 21,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, अगेन 20,000 प्लस 3,000, 23,000, देन माइनस करेंगे 8, तो बचेगा हमारे पास कितना, 15,000। ठीक है, अभी ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई है,
ये हमारी क्या हो गई, ओपनिंग कैपिटल आ गई। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ OC, ओपनिंग कैपिटल। अभी ओपनिंग कैपिटल जब आ गई है तो इस पर क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तभी हम ये क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे। तो भी हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं। तो 27,000 का 10% कितना होगा, यह होगा 2700। ठीक है, फिर 21,000 का निकालेंगे, फिर ये कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। इसी तरह से हम 15,000 का निकालेंगे तो कितना होगा, 1500 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे क्या निकल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। तो इसको तो हम क्या करते हैं, हम साइड में लिखते हैं। ठीक है, मैं इसे साइड में एक फिगर में लिख लेता हूँ, ताकि अभी जब हम क्वेश्चन को और आगे करेंगे पास एडजस्टमेंट के थ्रू तो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। 1500, ठीक है, अभी मैं इनको हटा देता हूं। चलिए, अभी हमें क्या करना है, दे हैव आस्क्ड अस टू डू द करेक्शन थ्रू द जर्नल एंट्री। हमें क्या करना है, करेक्शन करना है, क्योंकि ये एंट्री भूल गए थे कौन कौन सी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कोई बात नहीं, भूल गए थे, हम पे कर देंगे, हम सही कर देंगे, हमारा तो काम ही है एज एन अकाउंटेंट, है ना, हम तो अकाउंटेंसी सीख रहे हैं। तो अब यहाँ पे करना है क्या, हमें फॉर्मेट आना चाहिए किस चीज़ का, पास्ट एडजस्टमेंट का। तो पास्ट एडजस्टमेंट का नॉर्मल फॉर्मेट हम यूज करेंगे, जो कि क्या होगा, हम यहाँ पे लिखते हैं पास्ट एडजस्टमेंट, फॉर्मेट हम यूज करेंगे नॉर्मल पर्टिकुलर। कितने पार्टनर है, तीन पार्टनर है, तो मैं शॉर्ट में लिखा उनके नाम मोहन, फिर है हमारे पास विजय, फिर है हमारे पास अनिल। और जब भी हमारे पास तीन पार्टनर के नाम लिख लेता हूं तो एक कॉलम एक्स्ट्रा बनता है, जिसमें हम लिखते हैं हमारे फर्म को। ठीक है, क्योंकि ये सारी करेक्शन कौन करके देगा, इन्हें फॉर्म करके देगी, तो इसलिए एक कॉलम एक्स्ट्रा बनता है फॉर्म का पास एडजस्टमेंट में। ठीक है, अभी हम पास एडजस्टमेंट में करना क्या है, हमें बेसिकली पास एडजस्टमेंट में सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने निकाल ही लिया है, तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हम पे करते हैं, हम यहाँ पे लिख भी देंगे IOC पेड। अब पे करने का मतलब क्या हुआ, इनके कंपनी के अकाउंट में ऐड करना है, यानी कि इन पार्टनर के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, तो हम इन्हें प्लस में दिखा देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस, कितना था, 2700। तो 2700, फिर हम क्या करेंगे, दूसरा करेंगे जिसमें हम दिखाएंगे प्लस 2100, फिर हम फिर से दिखाएंगे प्लस 1500। ठीक है, अब कंपनी ने जब ये पैसा यहाँ पे दिया तो क्या पहले से कंपनी के पास कुछ पैसा था, कुछ भी पैसा नहीं था, कंपनी ने तो बस उन्होंने उनको देना भूल गए थे, तो हमने क्या करा, उनको उठा के पे कर दिया। लेकिन जब उन्हें पे करा तो कंपनी ने अपने पास से तो दिया होगा ना, तो कंपनी तो क्या चलेगी, माइनस में चलेगी। अब कितना माइनस में चलेगी, इन तीनों को ऐड करो, क्योंकि कंपनी से पैसा निकाला, इन दोनों के, इन तीनों के अकाउंट में हमने ऐड कर दिया, तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा कि 6300। अभी कंपनी क्या चलेगी, माइनस में चले गई। ठीक है, अभी लेकिन फिर भी एक चीज और है, वो क्या है वो भी देखते हैं। अब यहाँ पर है हमारे पास भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो हम क्या करते हैं, पार्टनर से चार्ज करते हैं। कंपनी के पास ये पैसा आना चाहिए था, लेकिन ये भी नहीं आया था। ठीक है, तो अब ये पैसा किससे लेना है, हमें पार्टनर से लेना है। तो मोहन से कितना लेना है, मोहन से लेना है 250। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 250। ठीक है, 250 हमने मोहन से माइनस करा। फिर इसी तरह से विजय से भी लेना था, तो मोहन विजय से भी हमने 200 माइनस करा। अनिल से भी हमें क्या करना है, 150 लेना था, तो हमने उससे भी 150 माइनस कर दिया। अब जब हमने सब माइनस कर दिया तो कंपनी से कितना पैसा माइनस हो गया, हमने कितना इसका टोटल कर लेते हैं, 250 प्लस 150 कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 400। 400 प्लस 200 ये हो गया 600। अब हमारे पास कंपनी के पास कितना पैसा आया, प्लस का 600। ठीक है, अब हम एक छोटी सी चीज कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमें लिखना है कि हमने करा क्या है, हमने क्या करा है, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOD चार्ज करा है। ठीक है, हमने लिख दिया चार्ज्ड। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। ठीक है, कि भाई कितना कितना ट्रांजेक्शन हो, क्योंकि मेनली हमें दो ही ट्रांजेक्शन करनी थी, तो हमने दो ट्रांजेक्शन कर दिया। अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, भाई किसके हिस्से में कितना पैसा बनता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्लस की वैल्यू बड़ी थी 2700 और माइनस 250, तो कितना बचेगा अब हमारे पास, ये बचेगा 2450।
ठीक है, जो कि क्या होगा प्लस का होगा क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी थी। इसके बाद था 2100 और माइनस 200, इसी तरह प्लस में आएगा ये भी हमारे पास, ठीक है ना, मैं यहाँ पे भी प्लस लिख दे रहा हूँ 1900, ठीक है। इसी तरह से 1500 माइनस 150, ये भी क्या आएगा प्लस में आएगा, कितना आएगा प्लस में, प्लस में आएगा हमारे पास 1350 रुपए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 6300 माइनस में था और 600 प्लस में, तो वैल्यू तो क्या होगा प्लस माइनस, माइनस में ही आएगा हमारे पास आंसर, जो कि कितना होगा 5700, ठीक है, लेकिन क्या आएगा माइनस में आएगा। अब भाई हमने क्या करा, बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया और यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर BALFIG शॉर्ट में लिख देते हैं बस फटाफट, और हमने ये कर दिया। अब कंपनी क्या चलेगी लॉस में, अगर कंपनी क्या करती है पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करती है और उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है, तो इस ऐसा करने पे हो क्या रहा है कि कंपनी लॉस में चली जा रही है 5700 के। अब जब कंपनी लॉस में चलेगी तो लॉस क्या खुद से भरेगी, नहीं, ये लॉस कवर करेगी, किससे करेगी, पार्टनर से, पार्टनर को बोलेगी भैया ये लॉस भरो, तो हम क्या करेंगे इस लॉस को उनसे मंगाएंगे, किससे कितना कितना मंगाना है भाई, शेयरिंग रेशियो क्या था 1:1:1, क्योंकि कुछ भी कहा नहीं है, तो क्या करेंगे डिवाइड बाय 3, तो हमें पता चलेगा कि सबसे हमें मंगाना है 1900 रुपीज, ठीक है, तो माइनस करेंगे सबके अकाउंट से कि भैया तुम्हारी वजह से लॉस हो गया है और अब कंपनी में पैसे भरो, तो हमने पैसे भरवाने शुरू करे सबसे, 1900 सबसे माइनस कर लिए और कंपनी में क्या आ गए, ये पैसे आ गए प्लस के, ठीक है 5700। अभी हम क्या करेंगे, अब हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे फिर से। हमने देखा भाई कंपनी का अकाउंट तो हो गया नील, कंपनी के पास तो सब खत्म, कंपनी माइनस में चली गई थी, पैसे मंगा लिए उतने ही प्लस में आ गई, यानी कि नील हो गया यहाँ पे, प्लस माइनस नील हो गया, ठीक है। अभी क्या हुआ कि कंपनी में जो पार्टनर था मोहन, उसके पास कितना पैसा है 2450। तो अब ये क्या करना था, इसको कंपनी ने देना था और इससे कितना कंपनी ने लेना 1900, तो अभी इसका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा 550, लेकिन ये आएगा प्लस में, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ, जो विजय है, विजय का अकाउंट भी सेटल हो गया, 1900 उसको कंपनी ने देने थे और 1900 रुपीज लेने भी थे, तो यहाँ पे इसका भी अकाउंट क्या हो गया नील हो गया, ठीक है। अभी इसके बाद कौन बचा, ये बचा, ये कौन है, ये है हमारे पास अनिल, ठीक है। तो अनिल में क्या है 1350 रुपए से कंपनी ने देने हैं और 1900 रुपए से लेने हैं, तो मतलब कितना बचा, ये बचा माइनस में, क्योंकि 1900 की वैल्यू माइनस की बड़ी है, तो 550, ठीक है। अब ये आ गया हमारा आंसर, अब इतना तो हमने कर दिया, ये बैलेंसिंग आ गई है ना, लेकिन अब इसको जर्नल एंट्री में कैसे कन्वर्ट करें, बहुत सिंपल है, जो भी आंसर हमारा माइनस में आया वो जाएगा डेबिट, याद रखना जो भी आंसर हमारा माइनस में आएगा वो जाएगा डेबिट, और अगर जो प्लस में आएगा वो आएगा क्रेडिट। अब इसकी जर्नल एंट्री करनी है हमें, तो भाई जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसको भी फटाफट से देख लेते हैं, इसको करते हैं हम साइड में एक फटाफट से। चलो मैंने क्या कहा था भाई, यहाँ पे अनिल क्या था माइनस में था, यानी डेबिट में जाएगा, तो हम यहाँ पे करेंगे अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन सा पार्टनर था दूसरा हमारे पास, वो था मोहन, ठीक है, तो हो गया मोहन कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 550 डेबिट वाले में और यहाँ पे भी आएगा 550। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होना था, बहुत सिंपल है, एक बार ट्राई जरूर करना खुद से और फॉर्मेट को नोट कर लेना ताकि आगे भी काम आए, और किसी और क्वेश्चन में डाउट हो TS ग्रेवाल के तो आप उसको कमेंट में मेंशन कर देना, लेकिन क्वेश्चन को पूरा पूरा मेंशन करना ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन टाइम पे दे सकूं।